सभी अध्यापक साथियों व दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपक शर्मा, डिस्ट्रिक्ट साइंस सुपरवाइजर डिस्ट्रिक्ट शिमला की ओर से संचालित इस चैनल सीएससी शिमला पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, जैसा कि आपको विदित है कि वर्ष 2020 हमारे इतिहास में एक विशेष वर्ष के रूप में दर्ज हो चुका है और इस वर्ष हमने जो आपदा झेली है उस आपदा ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और इस आपदा को हम एक अवसर में बदल रहे हैं और अवसर में हमें बदलना भी चाहिए क्योंकि परिस्थितियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। उसी तरह से जिस प्रकार हर वर्ष हमारा जो बाल विज्ञान सम्मेलन होता था, इस वर्ष इस आपदा की वजह से उस प्रारूप पर नहीं हो पाया है या नहीं हो पा रहा है। तो हमारे जो हायर ऑफिशियल्स थे, डिस्ट्रिक्ट टीम थी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस बाल विज्ञान सम्मेलन को हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों तक ले जाएं, क्योंकि ये प्रारूप बच्चों को कुछ नया सीखने में, कुछ नया गढ़ने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। और इसी कड़ी में हम अपने बीच में से बहुत से ऐसे अनुभवी अध्यापक, गाइड टीचर्स और जजेस हैं जिनका राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर व जिला स्तर पर बहुत ही लंबा अनुभव रहा है अलग अलग गतिविधियों के बारे में। तो ऐसी ही एक शख्सियत को हम आज आपके सामने इस इंटरव्यू के माध्यम से लेकर आए हैं और मैं आपका तारुफ करवाना चाहूँगा हमारे रिस्पेक्टेड प्रवीण गुप्ता सर से, जो कि वर्तमान में प्रिंसिपल पदम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर में कार्यरत हैं और इनका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है एक अध्यापक के तौर पर, एक गाइड टीचर के तौर पर और एक जज के तौर पर एक्टिविटी साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट में, क्योंकि हम यहाँ पर आज साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, जो साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट है वो बाल विज्ञान सम्मेलन का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहता है, एक अहम प्रतियोगिता रहती है, क्योंकि यही एक प्रतियोगिता है जिसमें हमारे प्रतिभागी अपने राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आज हम प्रवीण गुप्ता सर से ये सब बातें जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से हम इस प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार करें, गाइड टीचर्स किस तरह से अपने बाल वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन करें ताकि ये हमारे बाल वैज्ञानिक अपने राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर राज्य का नाम और अपने माता पिता का नाम और अपने अध्यापकों का और गाइड टीचर और विद्यालय का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सके। तो एक बार पुनः स्वागत कीजिए हमारे बीच में उपस्थित प्रवीण गुप्ता सर का। प्रवीण सर, प्रणाम। प्रवीण सर, जैसा कि हमने अभी बात की कि हम इस इंटरव्यू में विशेष तौर पर बात करेंगे साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट के बारे में, इससे पहले कि हम इस पर चर्चा शुरू करें तो आप पहले अपना मूल परिचय हमारे दर्शकों के सामने रखें। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन, नमस्कार। जैसा कि आज आपने विषय साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट रखी है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस सफर के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। 2001 में एस टीजीटी एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद 2003 से मैं चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के साथ जुड़ गया। उसके बाद चीजों को सीखता रहा, चाहे वो एक्टिविटी कॉर्नर रहा, चाहे वो पेजेज रहे, इन सब चीजों में प्रतिभाग किया बच्चों के द्वारा। अंत में जब चीजों का पता लगा कि ये चीजें ब्लॉक स्तर पे रहती हैं, केवल एक साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट है जो राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होता है। हर राज्य का एक अपना कोटा है जो कि सेंटर की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से निर्धारित होता है। उसी के अनुसार हिमाचल से 16 बच्चे और जितने बड़े राज्य हैं वहां से अलग अलग संख्या में बच्चे चयनित होकर के सर्वे रिपोर्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं।
और राष्ट्रीय स्तर पर 27 दिसंबर से 31 दिसंबर ये एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, इसी के बीच में हमारा नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होता है। 2003 से जुड़ने के बाद 2005-06 से मैं साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट लगातार 2015 तक प्रस्तुत करता रहा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर भी जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और राज्य स्तर पर तो हर बार गया, और राज्य स्तर में बच्चों की अपनी एक पोजीशंस भी रहती थी, बहुत सेकंड थर्ड बच्चे आते ही थे। अगर साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट हम देखें तो हमेशा जब चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस आता है उसका एक फोकल थीम होता है। फोकल थीम, जैसे जब एक बार मैं पार्टिसिपेट कर रहा था तो उस वक्त फोकल थीम था यूज फॉर प्रॉस्पेरिटी सेव फॉर पोस्टेरिटी। अब जैसे क्लाइमेट चेंज पे आ जाता है, वेदर पे आ जाता है, तो ये एक मेजर फोकल थीम होता है, उसके अंडर सब थीम होते हैं, छह सब थीम होते हैं। अब इन छह सब थीमों में हमें टॉपिक्स को डिसाइड करना होता है। तो सबसे पहले मैं यहां पर दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगा, जो आप विषय चुनते हैं वो विषय कभी भी आप अपने क्षेत्र से बाहर का ना चुने। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ चलता हूं, मैं रामपुर क्षेत्र में रहता हूं, तो रामपुर क्षेत्र में समस्या क्या थी, यहां टनल्स बहुत बनाई गई, उसके कारण राइस प्रोडक्शन, पैडी प्रोडक्शन वो डिक्रीज हुआ था। तो मैं यहाँ की स्टडी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ बैठ करके नारियल के पेड़ की प्रोडक्शन के ऊपर स्टडी करूं तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले अपने हमें अपने क्षेत्र को देखना है और वहां प्रॉब्लम ढूंढनी है, और वो रिलेटेड हो हमारे फोकल थीम के साथ, क्योंकि जब समस्या होगी तभी उसका हल होगा। तो सबसे पहले है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम मैं यहां प्रैक्टिकली आपके साथ एक डिस्कस करना चाहूंगा, मैं एक प्रोजेक्ट। अब यहां पर क्या हुआ, जब टनलिंग हुई तो टनल से बहुत सारा मक निकाला गया, मक मींस उसके अंदर की मिट्टी, उसके अंदर की चट्टाने, वो सारा कुछ निकाला गया। निकालने के बाद डंपिंग ग्राउंड्स बनाए गए, जो हमारे रामपुर के यहाँ चाटी, कनेरी, बायल, ऐसी ऐसी जगह है, वहां पर इन्होंने डंप कर। अब जब डंपिंग ग्राउंड बन गए तो वहां जो सॉयल था वो बैरन हो गया। अब जो मैंने उस वक्त देखा, यहाँ पर समस्या देखी कि ये प्रॉब्लम हो रही है, अब हवा चलेगी सारी मिट्टी उड़ रही है, तो उसको सॉल्व करने का सॉल्यूशन क्या था, हम सॉल्यूशन की ओर बढ़े। ये फिर उसके बाद हमने एक इसके ऊपर विषय बनाया। अब विषय था हमारा टू स्टडी द रिक्लेमेशन, रिक्लेमेशन ऑफ बैरन और लूज सॉइल इन कनेरी एंड चाटी रीजन। अब रिक्लेमेशन मींस जो हमारी मिट्टी खराब हो गई थी उससे एक बार दोबारा से अच्छी मिट्टी बनानी, अब ये समस्या थी, समस्या की हल की ओर बढ़ना है। जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है ये एक स्मार्ट होना चाहिए। इससे पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं, इसको जब भी करते हैं हम एक टीम वर्क में करते हैं, एक इसमें टीम लीडर होता है, एक गाइड टीचर होता है, और उन बच्चों के साथ चार और बच्चे होते हैं। चार बच्चे मिल करके कार्य करते हैं और उसका जो टीम लीडर है वो आगे प्रेजेंट करता है। इसमें कुछ चीजें हम जो देखते हैं, कोऑपरेशन, उन बच्चों ने काम किया, उस बच्चे ने अकेले किया, या गाइड टीचर ने उसे करके दे दिया, नहीं। जब इवोल्यूशन होती है तो इवोल्यूशन में हम ये चीजें देखते हैं कि टीम का सहयोग कितना रहा, क्या जो उसने मेथड अपनाया है, मेथड में अलग अलग बच्चों को कार्य दिए। अब पांच बच्चों की टीम है, मेरे पास जैसे एरिया था खनेरी, चाटी, बायल, ये एरियाज थे, तो हमने क्या किया, टीम बनाई। जो बायल क्षेत्र से बच्चा आता था उसको वहां की स्टडी दी, जो खनेरी से आता था खनेरी की दी, और जो चाटी से आता था उसको चाटी की दी, और जो टीम लीडर था उसको तीनों जगह जाना है। तो एक कोऑपरेटिव कोऑपरेशन, बच्चा इसमें जब हम करते हैं तो बच्चा आपस में काम करने का एक कोऑपरेशन भी सीखता है, किस तरह से काम किया जाए, और उस काम करने के बाद उसको एनालिसिस कैसे करना है वो भी चीजें सीखता है। जो साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट हमारा स्मार्ट है, कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट रहता है
इसमें आपको जो पूरा वैज्ञानिक पद्धति है, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक एटीट्यूड, उस तरीके से हमको इसमें पूरा काम करना होता है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो एक साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट है, उसमें जो हम टीम फॉर्मेशन करते हैं, कि जैसे आपने अभी बताया कि एक टीम लीडर रहेगा, उसके साथ तो 3 से 4 लोग और रहेंगे, तो गाइड टीचर्स को आप हमारे थोड़ा बताएं कि किस तरह से ये टीम की फॉर्मेशन रहती है, और अलग अलग जो भी हमारे प्रतिभागी रहते हैं, बाल वैज्ञानिक रहते हैं इस टीम में, उनके क्या क्या कार्य होते हैं और क्या बातों का हम ध्यान रखें, किन बातों का ध्यान रखें उनको जब हम ड्यूटीज असाइन करें। जैसे कि आप अभी एक उदाहरण के तौर पर बता रहे थे कि जो टनलिंग आपके क्षेत्र में हुई, उस बात को धरातल पर रखते हुए, उस बात को रेफरेंस करते हुए आप इस टीम फॉर्मेशन और उसके वर्क जो हम असाइन करते हैं सर, उसके बारे में हमारे गाइड टीचर्स और बाल वैज्ञानिकों को थोड़ा सा बताएं। जब हम टीम फॉर्मेशन में आते हैं, पहले तो इसका प्रारूप थोड़ा सा ही बताता हूँ। 10 से 14 साल तक का बच्चा जूनियर ग्रुप में वो रिप्रेजेंट करता है साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट। जी सर। और 14 से 17 साल, 14 से अप और 17 से नीचे, और ये जो डेट देखी जाती है 31 दिसंबर, जो भी आपका ईयर चल रहा होगा उसकी 31 दिसंबर को अगर वो एक दिन भी ऊपर होगा 17 साल से, तो वो रिजेक्ट है। वैसे ही 14 साल अगर जूनियर ग्रुप में है, एक दिन भी ऊपर होगा तो वो रिजेक्ट है। तो सबसे पहले तो एज का हमें ध्यान देना है, और फिर सर, जो जूनियर ग्रुप वाला है वो अगर एक दिन भी ऊपर हो तो सीनियर ग्रुप में वो कंसीडर किया जा सकता है। कंसीडर किया जा सकता है, अगर वो कंसीडर हो जाएगा सीनियर में, अगर सीनियर ग्रुप वाला एक दिन भी ज्यादा होगा तो वही रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज का एक ध्यान। दूसरा, जब हम टीम बनाते हैं तो एक टीचर को पता होता है किस बच्चे का क्या इंटरेस्ट है। अब ये जब हम साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट करते हैं तो इसमें सर्वे मेथड भी होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड भी होता है, फिर डेटा कलेक्शन का एक मेथड है, फिर उसके बाद डेटा एनालिसिस है। अब हम बच्चे का इंटरेस्ट देखेंगे, क्या वो बातचीत करने में अगर उसका अनुभव ज्यादा है तो सर्वे में उसका बड़ा अच्छा रहेगा, अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट उसका एक्सपेरिमेंटेशन मेथड में है तो उसको एक्सपेरिमेंटल टाइप का जो है हमारा सर्वे प्रोजेक्ट होगा उसके लिए वो अच्छा रहेगा। तो बच्चे का एटीट्यूड जो है वो टीचर जज करता है। अगर आपकी टीम अच्छी बनती है, टीचर अच्छी टीम बना लेता है, तो इसमें बच्चा बहुत आगे तक बढ़ता है, और जब वो नेशनल लेवल पे जीतता है या स्टेट में जीतता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टीम लीडर को ही मिलेगा, 5 मेडल मिलेंगे, 1 मेडल टीम लीडर का होगा, 4 मेडल उन बच्चों के होंगे, और सर्टिफिकेट भी जब मिलेंगे तो उन 5 बच्चों को मिलेंगे। एक बच्चे का सर्टिफिकेट होगा, उसका मैं जब वो वहां रिप्रेजेंट करेगा वो 5 के लेगा और उनको आकर के देगा। इस तरह से एक ये प्रारूप रहता है। प्रवीण सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट की, हमारे गाइड टीचर्स को आमतौर पर ये आपका जो रहता है कि किस तरह से हम इस साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट को तैयार करें, इसका जो एक पैटर्न किस तरह से रहेगा, कि जो फ्रंट पेज पर हम क्या लगाएं, उसके नेक्स्ट पेज पर इसके किस तरह से प्रारूप लिखें, इंडेक्सिंग किस तरह से होती है, बिब्लियोग्राफी हम किस तरह से करते हैं, तो उसका जो पैटर्न है, प्रारूप है, कि किस तरह से हम इसको रिटर्न फॉर्मेट में लेके आते हैं, सर उसके बारे में थोड़ा सा हमें अवगत करवाएं। इसमें मैं दर्शकों को, बच्चों को, गाइड टीचर को, सभी को एक चीज अनुरोध करना चाहूंगा, थोड़ा सा आप पढ़ने की आदत डालें। अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईयर डाल करके वहां जाएंगे तो वहां बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको हर बिंदु पे मैं आपको बताता हूं और डिटेल आपको वहां पर भी मिलेगी। जब हम साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट तैयार करते हैं तो सबसे पहले आता है कवर पेज। जो हमारा कवर पेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कवर पेज के ऊपर हमारे पास टाइटल आएगा, फोकल थीम आएगी, सब थीम आएगी, और आपका जो सब्जेक्ट विषय है वो आएगा, फिर टीम लीडर का नाम, फिर बच्चों के नाम और गाइड टीचर का नाम, ये हमारा कवर पेज बनेगा। और कवर पेज में अब गाइड टीचर का ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये चीजें रिक्वायर्ड रहती हैं, ऐसे ही आपके टीम लीडर जो बच्चा होगा उसका। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ग्रुप लीडर, उसका नेम एंड एड्रेस,
वैसे ही जितने बच्चे आपके पास चार बच्चे हैं उनके नेम एंड एड्रेस रहेंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्म ए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फॉर्म ए वो उसके बाद लगाया जाता है। फॉर्म ए उसको आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर आपका जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है वो उसको साइन करेंगे, वो वेरीफाई करेंगे कि बच्चों की जो डिटेल दी गई है ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास जो आता है अब्स्ट्रैक्ट, किसी भी रिसर्च पेपर को जब हम बनाते हैं तो उसका एक अब्स्ट्रैक्ट बनता है। उस अब्स्ट्रैक्ट अगर जूनियर ग्रुप में है, वो 6 से 8 तक पढ़ रहा है, मींस 10 से 14 साल के बीच का बच्चा है, तो 250 वर्ड का अब्स्ट्रैक्ट बनेगा। आप उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में बना सकते हैं लेकिन एक कॉपी इंग्लिश में बनेगी। वैसे ही जो सीनियर ग्रुप में बच्चा है उसका जो अब्स्ट्रैक्ट बनेगा, अगेन एक कॉपी इंग्लिश में बनेगी और वो 300 वर्ड का होगा। अब्स्ट्रैक्ट लग गया। अब्स्ट्रैक्ट के बाद हमारे पास जो आता है वो कंटेंट्स। अब कंटेंट्स हैं हमारे पास जो चलते हैं कंटेंट्स, एक सेकंड थोड़ा सा। अब कंटेंट्स में जो हमारे पास चलता है वो सबसे पहले आएगा एम एंड ऑब्जेक्टिव, मींस आप जो सर्वे लिख रहे हैं आपका उद्देश्य क्या है, किस लिए आप इस सर्वे को या साइंटिफिक प्रोजेक्ट को लिख रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो आपको एक पेज पे लिखना है, आपके एम्स क्या है इसको लेकर के और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उसके बाद क्या होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है आप सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हम गैस आइडिया, ये आइडिया लगाते हैं। अब जैसे यहाँ मिट्टी थी बाहर, तो हमारा आइडिया था कि पेड़ के बीज बूज डाल दो और ये रिक्लेम हो जाएगी स्वयं। ये एक हाइपोथेसिस होता है, मींस हमने गैस आइडिया या हाइपोथेसाइज किया है माइंड में कि इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, वो हमारा एक विचार है, लेकिन वो टेस्टिमनी नहीं है। टेस्टिमनी कब होगी, उसके बाद फिर हम आगे के मेथड अपनाएंगे। अभी हो गया हमारा कवर पेज हो गया है, इंट्रोडक्शन अब्स्ट्रैक्ट आ गया है, है ना, एक इंट्रोडक्शन भी लिखनी पड़ती है, वो छोटी सी लिखनी है इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद आता है हमारे पास वर्क प्लान। वर्क प्लान आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये वर्क प्लान, यहां से हमें पता लगता है एक्चुअल में बच्चे ने और गाइड टीचर ने काम किया या नहीं। वर्क प्लान, अब मान लो आप मार्च में शुरू कर रहे हैं तो आप डेट डालेंगे मार्च इतने से शुरू किया गया, फिर हर डेट्स को लिखोगे कि इस महीने में मैंने ये काम करना है, इसमें इस डेट में ये काम करना है, इस डेट में ये काम करना है, इस डेट में मेरे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये हमारा पूरा एक वर्क प्लान होगा, ये भी इसी उसमें लगेगा वर्क प्लान। वर्क प्लान के बाद आती है मेथडोलॉजी। अब मेथडोलॉजी जनरली 3 टाइप की हमारी मेथडोलॉजी, एक तो सर्वे बेस्ड मेथोडोलॉजी, दूसरी है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड मेथोडोलॉजी, तीसरी है ऑब्जर्वेशनल बेस्ड मेथोडोलॉजी। अब सर्वे बेस्ड, अगर आपने सर्वे करना है तो क्वेश्चनियर बनाना पड़ेगा, मिनिमम 20 क्वेश्चन और मिनिमम 50 इंटरव्यूज और 20 क्वेश्चन मिनिमम आपके उस सर्वे में होने चाहिए। फिर वो आप इंटरव्यू लोगे, उसके बाद जो डाटा कलेक्ट होगा और डाटा का ट्रीटमेंट करना है आपने, मींस डाटा एनालिसिस होएगा, उसमें आप एवरेज भी निकालेंगे, परसेंटेज भी निकालेंगे, ठीक है, उनके चार्ट्स बनेंगे, पाई चार्ट्स हैं, बार डायग्राम है, ये सारे चार्ट्स बन करके आप पेजेस में उसको बनाएंगे जो उनका एक तरीके से रिजल्ट्स आ रहा है। ये आ गया हमारा मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी के बाद हमारा आता है, जब आपने सारी मेथोडोलॉजी फाइंड आउट कर ली, फिर आता है कंक्लूजन। जिन मेथड्स को आपने अपनाया उसके बाद उनका क्या आ जाएगा कंक्लूजन, की रिजल्ट्स क्या निकले हैं और उन रिजल्ट्स को अब हमने कंक्लूजन में लिखना है। कंक्लूजन के बाद हमारे पास सजेशन एंड सॉल्यूशन, और जो प्रॉब्लम थी उसके लिए आपकी सजेशन क्या रहेगी, किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, वो सजेशन एंड सॉल्यूशंस आएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फ्यूचर प्लान एंड फॉलोअप। अब ये ना हो कि हमने प्रोजेक्ट कर लिया, साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है, उसके बाद भूल गए, नहीं, इसमें फ्यूचर प्लान,
उसके होने के बाद भी आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अपनी तरफ से क्या क्या हेल्प करोगे और फॉलो अप किस तरह से लोगे। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे हम रिक्लेमेशन की बात कर रहे थे, तो हम इसको क्या है, जैसे मेरे अपने स्कूल में एनसीसी है, इको क्लब है, एनएसएस है, इन बच्चों को इकट्ठा करके अवेयर करना कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये है, तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से फ्यूचर प्लान में भी आता है और फॉलो अप में भी आता है कि इनके द्वारा फिर आगे बच्चे उस क्षेत्र में कार्य करें। फिर आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट वो रहेगा कि ये आपका अपना वर्क है, वो सर्टिफाई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट से होगा एक्नॉलेजमेंट। फिर आते हैं रेफरेंसेस, आपने कौन कौन सी बुक्स ली, आपने कौन कौन सी साइटें देखी। आज के टाइम में जो आप साइट देखते हैं उस साइट का एड्रेस भी लिखा जाता है, है ना, बुक्स भी लिखी जाती हैं। आप ये सारी बुक्स ये रेफरेंसेस में आएंगे। और रेफरेंस के बाद मस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉग बुक। अब ये लॉग बुक क्या है, जब बच्चा कहीं पर बाहर जाता है किसी चीज को सर्वे करने के लिए, तो वो प्रिंसिपल से परमिशन लेता है। उस डेट में प्रिंसिपल जो है परमिशन देगा, मिस्टर सच एंड सच ही इज अलाउड टू टेक द सर्वे फ्रॉम दिस एंड दिस एरिया। वो जो कागज बनते हैं उनको हम लॉग बुक बोलते हैं। वो सबसे एंड में जो आपका सर्वे रिपोर्ट लिखा जाता है उसके एंड में वो सारी लॉग बुक लगा दी जाती है, कितनी बार कहाँ गया, किन डॉक्टर से मिला, कहीं पटवारी से मिला है, कहीं किसी इंजीनियर से मिला है, वो सारा हमारा लॉग बुक में, उनसे हम सर्टिफिकेट लेते हैं कि हम आपसे मिले हैं, आप हमें थोड़ा जैसा लिख करके दे दें, तो वो सारा का सारा हमारा लॉग बुक में। अब जब हम सर्वे हम लिखते हैं उसमें बहुत सारे कागज लगते हैं, कुछ रफ हो जाते हैं, कुछ हमारे पास चीजें गलत हो जाती हैं, वो सारे के सारे कागज जो है एक फाइल में लगा दिए जाते हैं। अब जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो आपका एक फाइनल सर्वे रिपोर्ट, साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट है जो टाइप्ड है या हैंड रिटन है, A4 पेज पे है, वन साइडेड है, बोथ साइड नहीं होना चाहिए, वन साइडेड है, ठीक है। और साथ में ही आप क्या देंगे, रफ वर्क। अब जो रफ वर्क है वो इसलिए दिया जाता है कि एक्चुअल में आपके द्वारा काम किया गया और इतने पेजेस लगे, ठीक है। अब इसमें आप सिंपल सा देख लो, हमारे पास जो जो आ रही हैं, अब एक बार दोबारा मैं बोल देता हूं, हमारे पास सबसे पहले आ गया एक कवर पेज, उसके बाद इंट्रोडक्शन, जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर हाइपोथेसिस, फिर आता है वर्क प्लान, फिर मेथोडोलॉजी आपने क्या फॉलो की है वो आ जाती है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी के बाद हमारे पास ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशनल रिजल्ट या डेटा ट्रीटमेंट वो आएगा। फिर आता है कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद सजेशन एंड सॉल्यूशन, उसके बाद फ्यूचर प्लान एंड फॉलो अप, फिर एक्नॉलेजमेंट, रेफरेंसेस, फिर उसके बाद हमारे पास लॉग बुक। ये एक प्रोजेक्ट का खासियत है। इसमें एक लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, आपके दर्शकों के साथ, जो हमारा सर्वे रिपोर्ट है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का यहाँ पर मतलब क्या है, स्मार्ट एस फॉर स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। द सब्जेक्ट इश्यू ऑफ स्टडी मस्ट बी स्पेसिफिक, हो इधर उधर ना जाए। दूसरा मेजरेबल, विच यू कैन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यस, के तरीके से आप उसे नाप सकें, माप सकें। फिर इट इज एप्रोप्रिएट, अब फोकल थीम है मेरा क्लाइमेट पे और मैं काम कर रहा हूं वेस्ट मैनेजमेंट पे, ठीक है। अगर उसमें कोई सब थीम आ रहा है ऐसा तो ठीक है। वो कहने का मतलब क्या है, जो आप प्रोजेक्ट लिख रहे हैं इट शुड बी एप्रोप्रिएट टू द फोकल थीम, फोकल थीम से आप दूर ना हटें। फिर आता है रियलिस्टिक, अब प्रोजेक्ट कर रहा हूं मैं रामपुर में और बात कर रहा हूं मैं केरल के नारियल की पेड़ की, तो ये रियलिस्टिक नहीं हुआ, कोई इतना टीएडीए नहीं देगा मुझे कि मैं यहां से केरल जाऊंगा और वहां नारियल के पौधे के ऊपर स्टडी करूंगा, नो। हाँ, नारियल का जो बाई प्रोडक्ट यहाँ पहुंच रहा है मेरे पास, नारियल के रेशे, वो मैं यूज कर लूंगा, यस इट इज अवेलेबल। कहने का मतलब क्या है, प्रॉब्लम लोकल होनी चाहिए और सॉल्यूशन भी आपके पास लोकली अवेलेबल होना चाहिए, ये रियलिस्टिक लगना चाहिए। फिर हमारे पास आता है टी फॉर टाइम बॉन्ड, मेरा प्रोजेक्ट 3 महीने में या 4 महीने में होना चाहिए रेडी, ये टाइम बॉन्ड काम है,
इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो हमारा सर्वे रिपोर्ट कैसा स्मार्ट होना चाहिए, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर एप्रोप्रिएट एंड आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड। टाइम बाउंड, जी सर। सर आपने एक सर्वे रिपोर्ट का जो पूरा प्रारूप है उसके बारे में विस्तार से आपने हमें बताया। सर इसके बाद बारी आती कि जो स्टूडेंट है, जो भी हमारा बाल वैज्ञानिक है, वो उसको प्रेजेंट करेगा जजेस के सामने। तो सर प्रेजेंटेशन में जो बच्चे हैं वो किस तरह से क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन करते समय उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स वो यूज कर सकते हैं सर्वे रिपोर्ट के प्रेजेंटेशन के समय तक, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें आप। जैसे जैसे तकनीकी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो हमारी प्रेजेंटेशन भी जो है अब बहुत एडवांस हो रही है। पहले तक जब चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में 2003 की मैं बात कर रहा हूँ, 3-4 सेट आज भी वैसे ही है। 8 मिनट टोटल मिलते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, जिसमें से 6 मिनट बच्चा बोलता है और 2 मिनट जजेस की क्वेश्चनिंग होती है। उस समय क्या मेथड था, उसको 4 चार्ट, जो चार्ट का साइज है सेम वही साइज, सिर्फ 4 चार्ट पे उसे अपना प्रोजेक्ट जो है पूरा बनाना होता, ठीक है। उसमें खासकर पहले पे क्या आ जाता, आपका सब्जेक्ट टाइटल्स, ये सारा पहले चार्ट पे हो जाता। सर गुप्ता सेकंड चार्ट से इसको आपका वॉल्यूम रुक गया था, चार चार्ट करें, ठीक है। 4 चार्ट बनते थे, 6 मिनट का समय मिलता है आपको प्रेजेंट करने के लिए, 2 मिनट जो है जजेस जो है वो क्वेश्चनिंग करते हैं, और 4 चार्ट में जो आपके चार्ट बनेंगे, पहले चार्ट में तो आपके अपने टीम के बारे में आ जाएगा, गाइड टीचर के बारे में आ जाएगा, थीम के बारे में आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा, और आपके स्कूल का इंट्रोडक्शन, स्कूल का आपका कैप्शन बन जाएगा। ये तो पहला चार्ट है। अब दूसरे चार्ट में आपको कवर करना है आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, ठीक है। तीसरे चार्ट में आपका मेथोडोलॉजी पूरा आएगा, जितनी मेथोडोलॉजी है वो आपने जो यूज की है, वेदर इट इज अ सर्वे है और एक्सपेरिमेंटल है, उसको खासकर किस तरह से करना होता है, बार डायग्राम से करो, पाई चार्ट से करो, ठीक है। क्यों, स्पेस कम होता है और बच्चे को एक्सप्लेन ज्यादा करना होता है, तो हम ज्यादातर बार डायग्राम, पाई चार्ट, ठीक है, इन चीजों का यूज करके इन चीजों को हम बताते हैं। और फिर हमारे पास तीसरा चौथा जो चार्ट है वो आपका कंक्लूजन है, और साथ में रिजल्ट्स है, फॉलो अप है, ये चीजें आएंगी। आज के टाइम में चीजें बदली हैं, आज के टाइम में आप पेन ड्राइव पे अपनी पीपीटी बनाएंगे और पीपीटी आपकी विद इन 6 मिनट्स जो है खत्म हो, और 6 मिनट्स में आप एक्सप्लेन कर पाए। अब बीच में ओवरहेड प्रोजेक्टर का भी यूज हुआ, ट्रांसपेरेंसी बनाई जाती थी, ट्रांसपेरेंसी का भी था वो जमाना, ट्रांसपेरेंसी से भी किया गया। अब टेक्निक जो है पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड है, तो जनरली जो है वो पीपीटी बनाते हैं और पीपीटी को प्रेजेंट करते हैं। तो ये प्रारूप स्टेट तक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल तक, यही इसका प्रारूप चलता है, और इसी तरह से इवोल्यूशन होती है। इसमें इवोल्यूशन का पूरा एक सेट अलग होता है, इवोल्यूशन जब हम करते हैं उसके अलग अलग पॉइंट्स हैं, जैसे ओरल प्रेजेंटेशन है, रिटन पार्ट की प्रेजेंटेशन है उसकी, ठीक है, और रिटन पार्ट में फिर इसके बाद हमारे पास जो बैकग्राउंड करेक्शन है एक, अब बैकग्राउंड करेक्शन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि कई बार क्या होता है बैकग्राउंड करेक्शन को इस हिसाब से समझना है, बच्चा जो है गाँव के एरिए से आ रहा है, प्रेजेंट इंग्लिश में कर रहा है, उसकी प्रोनंसिएशन, अदर चीजें ठीक नहीं है, तो एक जो अच्छा जज है वो बैकग्राउंड करेक्शन में जाता है, कि वो देखता है कि इस बच्चे की बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया है, किस तरह से इसको तैयार किया गया है। तो बैकग्राउंड करेक्शन में उसके पास जो है मार्क्स 10 होते हैं, 10 मार्क्स होते हैं इवेल्युएटर के पास, तो 10 में से दे देता है बैकग्राउंड करेक्शन में। अब जो ऑलरेडी पब्लिक स्कूल का है, फर्राटे से इंग्लिश बोल रहा है, तो इवेल्युएटर को पता है इसका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या है, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया एंड कंसेप्ट, ये 10 मार्क्स का है, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया 10 मार्क्स, और इसमें रिटन रिपोर्ट और ओरल प्रेजेंटेशन 5-5 हो गए। फिर उसके बाद आता है रिलेवेंस ऑफ द प्रोजेक्ट टू द थीम, अब जो प्रोजेक्ट बनाया है इज इट रिलेवेंट टू थीम और नॉट,
थीम से रिलेवेंट होगा तो 10 मार्क्स में से उसको मिलेंगे। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू। अब जो उसने इशू रेज किया है, प्रॉब्लम रेज की है, क्या पूर्ण रूप से उसको समझ भी पा रहा है, वो भी 10 मार्क्स का है। डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, सॉरी, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, अब उसने सर्वे बेस्ड किया है या एक्सपेरिमेंटल है, जो भी उसका डेटा है उस डेटा को एनालिटिकली उसने किस तरह से प्रेजेंट किया है, और उसके भी आपके 15 मार्क्स हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था साइंस पे, क्या उसको एक्सपेरिमेंट से आपने वैलिडेट किया है, प्रूव किया है? अगर वो एक्सपेरिमेंटली, इसीलिए सर्वे को कम, एक्सपेरिमेंटल मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाता है। अब एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन अगर होता है वो भी 10 मार्क्स है, उसमें 10 मार्क्स है। फिर आता है हमारे पास इंटरप्रिटेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग अटेम्प्ट, आपने इंटरप्रेट कैसे किया है और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ लेकर गए हैं, सॉल्यूशन दिया है या नहीं। इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट, जो समाज के साथ जुड़े हुए जितने साइंटिफिक प्रोजेक्ट होते हैं, इनकी पोजीशंस नेशनल लेवल पे अच्छी रहती है। फिर आता है टीम वर्क। अब देख लो, मैंने बहुत पहले भी बात की थी, 10 मार्क्स है टीम वर्क, वो हमें पता लगता है कि क्या अकेले एक बच्चे नहीं और गाइड टीचर ने मिलकर काम कर दिया, या टीम को भी पार्टिसिपेशन लिया। इसमें क्या फोटोग्राफ्स भी हम लेते हैं, जब वो काम कर रहे हैं बच्चे, उनके फोटोग्राफ्स वो भी हम अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगाते हैं। अब बीइंग गवर्नमेंट स्कूल से था मैं, तो हमारे पास खर्चा नहीं होता था इतना, मैं एक बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ। और जो हमारे प्रिंसिपल्स थे, उनका बैकग्राउंड जो भी रहा, वो सपोर्ट कभी करते थे कभी नहीं करते थे, तो इन चीजों को मेंटेन कई बार अपनी जेबों से भी करना पड़ता है। एक अच्छे अध्यापक कोई भी होगा, वो करना पड़ता है, तो कई बार जो खर्चा होता है तो उसको आप स्वयं भी बहन करें। अब फोटोग्राफ्स थे, कहीं जाना है आपने, ट्रांसपोर्टेशन है, तो टीम वर्क में ये सारी चीजें हमारी आएंगी कि भी कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, ये पता लग जाता है सर्वे रिपोर्ट को पढ़ने के बाद। हाँ, अब बैकग्राउंड करेक्शन में आपको बता चुका हूँ, बैकग्राउंड करेक्शन, अगर रूरल एरिया से बच्चा आ रहा है तो डरना नहीं है, वो उन जजेस को पता है कि ये रूरल एरिया का है, ठीक है। फिर ओरल प्रेजेंटेशन, रिटन रिपोर्ट एज एप्लीकेबल, अब जो उसने टोटल ओरल रिपोर्ट दिया है उसका क्रैक्स, जो उसने बोला है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी रही है, वो भी 10 मार्क्स। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी यही प्रारूप रहता है, स्टेट लेवल पे भी यही प्रारूप रहता है, नेशनल लेवल पे भी जाकर के यही प्रारूप रहता है, सिर्फ मार्क्स चेंज होते हैं। नेशनल लेवल पे जाके ये 5-5 मार्क्स हो जाएंगे। जी, तो सर कहने का मतलब ये है कि जो जैसे आपने बैकग्राउंड करेक्शन की बात की, तो बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, कितना फ्लुएंट हुए इंग्लिश में है या कितना फ्लुएंटली वो चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उसका जो ओरिजिनलिटी ऑफ वर्क है और उसका जो टीम वर्क है, कितना इफेक्टिव सॉल्यूशन उसने प्रॉब्लम का दिया है, वो सब चीज़ें यहाँ पर जजमेंट में मायने रखती हैं। और दूसरा कि ये भी बच्चे पर है कि वो प्रेजेंटेशन जो करे, कि हो सकता है कि रूरल एरिया से बच्चा आ रहा है, उसके पास वो टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल ना हो, पीपीटी नहीं बना पा रहा इजीली, वो तो चार्ट से भी प्रेजेंट कर सकता है। तो ये जो आप जो टेक्नोलॉजी का यूज और ना यूज कर पाना, ये कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा कि आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। पर फाइनल सिलेक्शन आपका प्रॉब्लम आपने क्या लिया है, उसका कितना रियलिस्टिक आपने समाधान दिया है और उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है, ये और टीम वर्क, ये सारी चीजें आपके जजमेंट के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जी सर, सर जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमने बात की इससे पहले कि जो हम सर साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट है, किस तरह से उसको बनाएंगे, किस तरह से हमें उसको प्रेजेंट करना है, आपने बात की कि क्राइटेरिया जजमेंट का क्या रहता है। तो सर जैसे हम अपने विद्यालय में अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो एजुकेशन का एक जो मकसद रहता है, दैट इज होलिस्टिक और ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास हम बच्चे का चाहते हैं या इन कार्यक्रमों के माध्यम से करते हैं, तो सर इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि ये जो साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट है, ये बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में, ऑलराउंड डेवलपमेंट में किस प्रकार से सहायक है, एक बात, और दूसरा कि बच्चे का जो एक्सपोजर लेवल है नेशनल लेवल पर, वो किस तरह से उसके फर्दर जो स्टडीज हैं या फर्दर पर्सनैलिटी को किस तरह से इम्पैक्ट करता है।
ये आपने दीपक जी बहुत अच्छी बात पूछी। जब बच्चा सर्वे रिपोर्ट या किसी भी गतिविधि में अपने आप को संबंधित करता है, इन्वॉल्व होता है, तो उसके बॉडी, माइंड, सोल, हर चीज के ऊपर एक असर आपको नजर आएगा। बच्चा खासकर जैसे चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट को करता है, तो कई चीजें, कई कैरेक्टर उसमें जो ना भी हो वो भी डेवलप हो जाते हैं। अब उदाहरण के लिए कोऑपरेशन, सहयोग करना, काम में सहयोग करना, वो पहली चीज सीख जाता है कि काम करना है, मिलकर करना है, टीम वर्क क्या होता है, किसी कार्य का निष्पादन जब हमने करना है तो एक टीम के तौर पर किस तरह से किया जाता है। दूसरी चीज, जब बच्चा प्रेजेंट करने जाता है तो वहां उसकी इंट्रैक्शन वैज्ञानिकों से होती है। अब वैज्ञानिकों से जब इंट्रैक्शन होती है, वैज्ञानिकों से वो प्रश्न पूछ सकता है, अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकता है, और जब वो बच्चा उस स्टेज पे जाकर बोलता है तो उसका जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बढ़ता है। वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उसका पढ़ाई में भी बढ़ेगा, और किसी भी कार्य को करेगा वहां पर भी उसका वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। यहां तक कि मैं थोड़ा सा और ऐड करता हूं, मैं एज गाइड टीचर जब नेशनल लेवल पर गया तो वहां पर भारत रत्न केमिस्ट्री के राव राव, मिस्टर राव, पूरा नाम सी एन आर राव, वो भारत रत्न, 48 किताबें उन्होंने लिखी थी केमिस्ट्री पे, तो उनके साथ मेरा भी इंटरेक्शन हुआ, कुछ प्रश्न पूछे, तो अपने आप में एक अनुभूति आती कि हम इतने बड़े व्यक्तित्व से मिल रहे हैं। अब भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट वहां आए, अब उन्होंने वहां के बारे में बताया, नेचुरली बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, साथ साथ गाइड टीचर का कॉन्फिडेंस लेवल, एक पूरी तरह से उसमें परिवर्तन आता है, और कुछ करने की इच्छा शक्ति उसकी जागृत होती है। और जब एक बार आप इन चीजों को अटेंड करके आते हैं तो आने के बाद आप और ज्यादा उत्साह से, अगली बार मैं और अच्छा प्रयत्न करूंगा, वैसे ही उन बच्चों के अंदर आता है। क्यों? खासकर जब टीम बनाते हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है कि सारे बच्चे प्लस टू के ना हो, ये सारे बच्चे मैट्रिक के ना हो, हमें मिक्स करना होता है। अब प्लस वन के कुछ बच्चे, कुछ नाइन्थ के, कुछ टेंथ के ले लिए, अब उसमें क्या है, आपका एक बेंच स्ट्रेंथ भी बन जाता है, और बच्चों का कॉन्फिडेंस, फिर उनके साथ वो टीम लीडर बनेगा, फिर आगे। और तो जो मैंने अभी तक अनुभव किया है, जो देखा है, जितने भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे हैं, वो डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर पहुंचे हैं, और आज भी वो बच्चे मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो बच्चे जो है उसी कॉन्फिडेंस को लेकर के समाज में जी रहे हैं, और आज उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और सहयोग की भावना भी है। तो ये चीजें दीपक जी उनमें बड़ी अच्छी तरह से डेवलप होती है, और ऑलराउंड उनका एक डेवलपमेंट होता है जब भी इन चीजों में। व्यक्तित्व जी सर, हम कहते हैं एक संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में, ये जो साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट या जो हमारा बाल विज्ञान सम्मेलन ओवरऑल है वो हेल्पफुल रहता है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे कोई भी बाल वैज्ञानिक साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर अगर प्रतिनिधित्व करता है तो उसके लिए इंसेंटिव्स क्या क्या रहते हैं? नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन का क्या इंसेंटिव है, या स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेशन का क्या इंसेंटिव रहता है आपके स्टेट टीम की तरफ से, या नेशनल जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान सम्मेलन की टीम रहती है उनकी ओर से? सर उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें अवगत करवाएं। सबसे पहला तो एक इंसेंटिव से हटकर बात करूंगा मैं। सबसे पहले तो उनको एक मंच मिलता है, और वो एक बहुत बड़ा मंच है। अब जहां तक इंसेंटिव की बात है, तो आप जानते ही हैं कि आने जाने का किराया सरकार के द्वारा दिया जाता है, प्लस सर्टिफिकेट, एक मेडल और एक ट्रॉफी, ये चीजें बच्चों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और राज्य स्तर के लेवल पे स्तर पे ये चीजें दी जाती। जब वो नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे जाता है तब भी आने जाने का पूरा खर्चा, रहने का, खाने का, पीने का सारा खर्च जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिमकॉस्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वहन किया जाता है, और
जब भी ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं सुविधाएं बहुत अच्छी दी जाती हैं, खाना रहना हर सुविधा बहुत अच्छी होती है। तो ये वहां जाकर अगर वो जीतते हैं, पहले 10 पोजीशन पे आते हैं, तो वहां से उनका एक टूर नासा के लिए बनता है। वो अमेरिका में नासा स्पेस सेंटर में जाकर के वहां उनका विजिट रहता है और वहां पर उनको बारीकियां बताई जाती हैं विज्ञान की। तो ये इंसेंटिव रहते हैं इस तरह से। हाँ, इनका एक और चीज है, जो ये सर्टिफिकेट मिलते हैं इनका उपयोग आगे जब वो कभी जॉब वगैरह में अप्लाई करता है तो एक इम्प्रेशन रहता है कि इस बच्चे ने ऐसे ऐसे भी पार्टिसिपेट किया है। हाँ, ये चीज अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि जैसे NSS के 2% मिलते हैं। ये मांग रखनी भी चाहिए कि जब नेशनल लेवल पे बच्चा चला जाता है तो औरों की तरह इसको भी ट्रीट किया जाए। ये अभी एक थोड़ी सी कमी है जिसको हमें सरकार से उठाना चाहिए। तो गुप्ता सर, आपने बाल विज्ञान सम्मेलन का जो एक अहम प्रतियोगिता रहती है साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट, उस विषय में हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा ज्ञान वर्धन किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी गाइड टीचर्स और जितने भी बाल वैज्ञानिक हैं जो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक हैं और भाग लेना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ इस वजह से वो नहीं रुकेंगे कि उनके पास एक जानकारी की कमी है। तो हमारे इस मंच पर हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी यदि पर्सनल लेवल पर किसी गाइड टीचर को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता रहेगी तो आप खुद को अवेलेबल करवा पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं डिस्ट्रिक्ट साइंस सुपरवाइजर टीम डिस्ट्रिक्ट शिमला की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और मेरे सहयोगी पंकज सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मीटिंग को यहीं पर समाप्त। थैंक यू।